Welcome back to class 10 mathematics class. We are dealing with pair of linear equations in two variables. Today is the fourth day of this chapter. दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज चौथा दिन है. वेलकम बैक आप सबको. अब सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं. पिछले जो इसमें जो हमने किया था वो आप देख लीजिए, क्या क्या आंसर्स उसके आए थे. मैंने जो एग्जाम क्वेश्चंस दिए थे आपको सॉल्व करने, उसके आंसर्स आप एक बार देख लीजिए. ओके, लुक एट एक्सरसाइज 3.1, द क्वेश्चन नंबर 1. यू कैन सी इन द स्लाइड हियर व्हिच इज बीन शोन. पहला जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो लाइंस जो थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस थे. वी गॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मींस जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें मिली थी और दोनों एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही थी, 42, 12. ये डिपेंड करता है आप x क्या लिए थे और y क्या. अगर आप आफ्ताब का एज x लिए होंगे तब आपका 42, 12 आएगा. अगर आप आफ्ताब का एज y लिए होंगे तब 12, 42 होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्ताब का एज जो है 42 इयर्स है और उसकी बेटी का जो एज है 12 इयर्स है. तो एक क्लियर हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो लाइंस थे दे इंटरसेक्ट एट 1300 एंड 0. इसका मतलब क्या होता है, बैट का अगर आपने कॉस अज्यूम किया था एक्स है तब आपका बैट का जो मूल्य है 1300. द कॉस्ट ऑफ बैट इज 1300. कॉस्ट ऑफ बॉल क्या है, 0. बढ़िया ना, बैट के साथ बॉल फ्री. अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ जो है पैरेलल लाइंस थे, दैट मींस उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. अब स्लाइड में देखिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1. दो क्वेश्चंस थे उसमें. फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, द लाइंस इंटरसेक्ट एट 7, 3. अगर आप नंबर ऑफ गर्ल्स लिए होंगे x तब आपका नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे 7. अगर आप का नंबर ऑफ बॉयज आपने अज्यूम किया होगा y तो आपके नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 है. तो ये आपका आंसर हो गया. डिपेंड करता है कि आपने x किसको अज्यूम किया, y किसको अज्यूम किया. अगर x आप नंबर ऑफ गर्ल्स अज्यूम किया तो यू विल गेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट 7, 3. अगर आपने गर्ल्स को y अज्यूम किया होगा यू विल गेट 3, 7. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट 2, द लाइंस इंटरसेक्ट एट 3, 5. तो लाइंस इंटरसेक्ट एट 3, 5, तो इसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन. अगर कॉस्ट ऑफ पेंसिल आपने अज्यूम किया है x तब आपका कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3. ठीक है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ पेन आपने अज्यूम किया है y तो कॉस्ट ऑफ द ऑफ वन पेन इज 5. तो ऐसा करके आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको ग्राफ से आपको मिल गया. अब अगला प्रश्नावली देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.3, प्रश्नावली 3.3 के आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, उसमें दो नंबर्स थे. दो नंबर्स हमें ज्ञात करना था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से. आपने ज्ञात किया होगा क्योंकि इक्वेशंस हमने बताया था कि कैसे बनाना है आपको. इक्वेशंस अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको नंबर्स मिले होंगे 39 एंड 13. ठीक है, अब पार्ट 2, एंगल्स दिए थे. एंगल्स फाइंड आउट करना, सप्लीमेंट्री एंगल्स थे दोनों. तो अगर आपने अज्यूम किया है, आपको इक्वेशंस हमने बनाया था यहाँ में, तो अगर आपने सॉल्व किया होगा, आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से आपने सॉल्व किया है तो आपको उसका आंसर मिलेगा 81, 90. ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स थे. अब उसके बाद पार्ट 3, कॉस्ट ऑफ बैट अगर आपने एक्स अज्यूम किया, कॉस्ट ऑफ बॉल अगर आपने वाई अज्यूम किया तो कॉस्ट ऑफ बैट आपका आ गया 500 रुपीज और कॉस्ट ऑफ बॉल आपका इस क्वेश्चन में आ गया ₹50. डिपेंड करता है कि आपने एक्स और वाई क्या अज्यूम किया है, तो आप वैसा ही आपको आंसर मिलेगा. लास्ट में आंसर आपको लिखना है प्रॉपर वे में. अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4. ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमें फिक्स टैक्सी के बारे में हमने बात किया था, जो है फिक्स चार्ज है. और फिक्स चार्ज मतलब निर्धारित मूल्य, मतलब आपका जो निर्धारित मूल्य है आपका देना ही देना है वो मूल्य. आप टैक्सी में चढ़ते हैं, निश्चित मूल्य कहते हैं उसे, तो निर्धारित किया जाता है तो उसे आपको देना होता है. तो निश्चित मूल्य एक था और दूसरा था आपका प्रति किलोमीटर आपका चार्ज. तो आपने जब सॉल्व किया आपको मिला होगा फिक्स चार्ज का ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर
प्रति मूल्य आपका प्रति किलोमीटर आपका मूल्य मिला होगा 10 रुपए, और जब 25 किलोमीटर का आपको निकालना पड़ा होगा तब आपने निकाला होगा तो आपको मिला होगा ₹255। आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में। अब अगला क्वेश्चन था फ्रैक्शन को लेकर। फ्रैक्शन हमने एक्स और वाई लिया था, एक इक्वेशन हमने बनाकर दिखाया था, दूसरा इक्वेशन हमने आपको हिंट्स दिए थे कैसे बनाना है। जब आपने सॉल्व किया होगा आपको एक्स मिला होगा 5 एंड वाई मिला होगा 6, तो आपको फ्रैक्शन क्या मिल गया 5/6। मुझे उम्मीद है आप बच्चों को भी आप 5/6 मिला होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या था, जेकब और उसके पुत्र का आयु निकालना। द एज ऑफ जेकब हैड टू बी फाउंड आउट एंड द एज ऑफ His son had to be found out, ठीक है? तो you had assumed it as x and y, and we had almost formed the equation for two equations. The case, the state, according to the statements which was given in your question. तो हमने वो statements देखकर हमने equations बनाया था। तो वैसे अगर आपने solve किया होगा, आपने देखा होगा कि Jacob का जो प्रेजेंट एज है, जेकब्स प्रेजेंट एज दैट इज जेकब का वर्तमान आयु जो है 40 वर्ष है, और आपका उसका पुत्र का वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो आपने ये कर लिया होगा, उम्मीद है कि आपको सही आंसर्स मिले होंगे। अब आप अगला स्लाइड यहाँ देखिए, यहाँ पर अल्जीब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछला बार भी हमने आपको ये स्लाइड दिखाया था, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय रूप से कैसा विधि से कैसे आप इसे हल करेंगे। पिछले बार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट इज प्रतिस्थापन विधि हमने किया था, अब आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। विल डू एलिमिनेशन मेथड, विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्रू एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। अगला स्लाइड आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका तीन कंडीशंस दिया हुआ है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और तीसरा कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमने काफी बार ये जो आपको ये दिखाया है आप जानते हैं। फर्स्ट टू कंडीशंस क्या है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट जो है आपका संगत पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, और थर्ड कंडीशन में क्या है, इनकंसिस्टेंट। दैट मींस इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, असंगत पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अच्छा, इसमें पहला दो कंडीशंस में ही आपका पहला दो कंडीशंस में भी नहीं, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तभी आपको सॉल्यूशन निकालना। ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, प्रतिस्थापन विधि किया था, तब भी मैंने आपको ये बात बताया था। तो आज भी एलिमिनेशन मेथड में भी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन जब होगा तभी आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अब ये अगला स्लाइड आप देख लीजिए और एक स्नैपशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन से जो आज मैं सॉल्व करूंगी आपको। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, नीचे दिए गए समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, देखते हैं अभी इसमें क्या आता है। a1/a2 इज इक्वल टू 9/18 दैट इज इक्वल टू 1/2। अगर आप b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 इक्वल टू 3/6 दैट इज अगेन 1/2, एंड इफ यू फाइंड आउट c1/c2 तो आपको क्या मिलेगा, 12/24 दैट इज अगेन 1/2। अब ये कंडीशन में क्या हो गया आपका, तीनों आपका इक्वल है, दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों बराबर हो गए, ठीक है। ये जब बराबर हो गए तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, what type of pair of equation is this, the pair of equation is consistent है, लेकिन यहाँ पर आपका संगत पैर है, लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्यूशन निकालना है, नहीं निकाल, क्योंकि इसके अनेक सॉल्यूशंस होंगे, अनेक हल होंगे, तो इसीलिए हम वो लिखकर छोड़ देंगे। इंग्लिश मीडियम बच्चे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल, बस इतना लिख के आपको छोड़ना। अब अगला क्वेश्चन में आप देखिए, अब अगला क्वेश्चन में भी हम a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3/1 दैट इज 3। अब
b1 by b2 is equal to माइनस 3 बाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. नाउ अब देखो ये दोनों इक्वल है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड c1 बाई, अगर इक्वल नहीं होते वी डोंट हैव टू फाइंड c1 बाई c2. अब c1 बाई c2 निकालते, c1 बाई c2 आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10/9. देखिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके कोई हल नहीं है. दिस इज अ इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, असंगत युग्म है. तो यहां पर वो लिख के हम छोड़ देंगे. The given pair of linear equations has no solution. हिंदी मीडियम बच्चे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है. तो ये दो क्वेश्चंस जब ऐसा आता है तो आप ये इतना लिखकर छोड़ देंगे. अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं. अब चलिए ये क्वेश्चन करते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि या तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमिनेशन. और मेरा ये सबसे फेवरेट मेथड है. फेवरेट मेथड क्यों है, बहुत जल्दी आपको आंसर्स मिल जाए. बस कुछ जो टाइप्स है मैं बता देती हूँ, आप ध्यान से देखें, आप जरूर नोट डाउन के मैं हर, अब इसके बाद जो भी समय हर सम एक अलग टाइप का होगा, आप अलग अलग टाइप के सम्स जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड या आपका विलोपन विधि कैसा है. एलिमिनेशन, द वर्ड इटसेल्फ एलिमिनेशन, व्हाट इज एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देना, हटा देना. तो यहां पर दो चर है एक्स एंड वाई या एल एंड बी. तो दो चर, दो दो चर वाले रैखिक समीकरण करें, उसमें से एक चर को हम हटा देते, उसके बाद हम दूसरा, तो दूसरा चर हमें मिल जाएगा, वो बच जाता, उसका वैल्यू मिल जाता. फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सब्स्टिट्यूट करके निकाल, बहुत इजी है. बहुत आप अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए. हर टाइप का क्वेश्चन हम कराते हैं यहाँ पर. यहाँ पर आपका पहला इक्वेशन, अब ये इक्वेशन तो आप जानते हैं क्या था, हमारा सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन था जिसमें आपको एक रेक्टेंगल का आपका लेंथ एंड ब्रेथ ज्ञात करना था. वो फर्स्ट शुरू में हम जब करे थे लेसन का बिगनिंग में, बस वही वाला इक्वेशन हमने लिया, बहुत सिंपल. अब यहाँ पर ये दो इक्वेशंस देखिए, एल माइनस बी इक्वल टू 4, एल प्लस बी इक्वल टू 3. यहाँ पर देखिए बी का जो है साइंस ऑपोजिट है ना, बी का जो साइंस. और सो कोएफिशिएंट्स देखिए, यहाँ बी का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी बी का कोएफिशिएंट 1 है. एक तो पहला कंडीशन ये है कि बी का जो साइंस है दोनों इक्वेशन में ऑपोजिट में, एक में प्लस है तो दूसरा में माइनस है. दूसरा कंडीशन क्या है, उसका जो गुणांक है, गुणांक या उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, दैट इज 1 है. तो वो पहला दो कंडीशंस हुए. तो ये दो कंडीशंस में हम क्या करेंगे, अगर हम इसको जोड़ते हैं ये दोनों इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, बी हट जाए. देखिए कैसा करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जोड़ने पर तो L माइनस B इक्वल टू 4, L प्लस B इक्वल टू 36. अब इन दोनों को जोड़ते हैं इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वेशंस को. अब यहां पर माइनस बी प्लस बी, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0. तो हम इसको काट से एलिमिनेट हो गया, B जो है हमारा हट गया, एलिमिनेट हो गया. दैट मीन्स 1 प्लस 1 यहां पर देखिए 2 एल इक्वल टू 4 प्लस 30 इज 40. तो L इक्वल टू 40 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20. ये आपको मिला था ना पहले भी. अब देखिए, अब L तो हमें मिल गया, अब B कैसे निकाल, आप जो L को जो है इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में डालकर B निकालते हैं. मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन ले लेती हूँ. फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, L माइनस B इक्वल टू 4. इससे पहले आपको क्या है लिखना है, इंग्लिश में लिखे सब्स्टिट्यूटिंग L इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, L इक्वल 20 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर. अब L की जगह में हम क्या लिखे, 20 माइनस B इक्वल टू 4 हो गया. तो माइनस B इक्वल टू 20 को वहां ले जाए, हमने आपको बताया है ना इसका लॉजिक, मेन लॉजिक हमने बताया था. लेकिन जब इजिली हमें याद करना है कैसे वहां पर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 20 का पॉजिटिव साइन है वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन. तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 16, दैट मीन्स ये दोनों साइड पर नेगेटिव हटा सकते हैं, तो बी इक्वल टू 16. तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन एल इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 16.
आसानी से आपको मिल गया। अब पिछले जो एग्जांपल हमने बताया था उसमें हमने ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू नहीं निकाला था, एक्चुअली आपको निकालना चाहिए, जस्ट बिकॉज मुझे वो पूरा पढ़ाना था, वो मेथड पहली बार मैं पढ़ा रही हूँ इसीलिए ताकि आपको आसानी हो, मैंने वो नहीं करा, लेकिन इसमें हम करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू वन बाई वन, दैट इज इक्वल टू वन, बी वन बाई बी टू equal to minus 2 by 1, that is minus 2. That means A1 by A2 is not equal to B1 by B2. तो हिंदी मीडियम बच्चे दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, और इंग्लिश मीडियम बच्चे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज वन यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। अब यहां पर आप देखिए x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहां पर देखिए y का जो है एक में नेगेटिव साइन है, यू हैव गॉट नेगेटिव साइन एंड यू हैव गॉट पॉजिटिव साइन, एक लेकिन यहाँ पर क्या है y का जो कोएफिशिएंट है इक्वल नहीं है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है। तो अब क्या अगर हम कोएफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं तब क्या आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो एलिमिनेट। तो हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फुल इक्वेशन को, तब y का जो कोएफिशिएंट है 2 आ जाएगा। अब वो लिख लेते पहले, मल्टीप्लाइंग 2 बाई 2, इक्वेशन 2 को 2 से गुणा करने पर, टू सिक्स आर 12, 1, 2, 3 आर 6, 72। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 से हमें इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। एडिंग 1 एंड 3, 1 एंड 3 को जोड़ने पर, 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ने पर, अब यहां पर 1 क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू 72। आप जब जोड़ेंगे तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आप विलोपन विधि है, तो ये आपका हट गया, वाई जो टर्म्स है हट गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू व्हाट विल यू गेट, 76। अब x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 76 बाई 3, ठीक है। अब देखिए 3 से जाता है, 7 प्लस 6 इज 13, 3 से नहीं है, तो आपका ये x का वैल्यू। अब आपको इसमें क्या निकालना है, y का वैल्यू। तो आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट x is equal to 76 इन इक्वेशन 1, x is equal to 76 by 3 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 में 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, x minus 2y equal to 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा minus 2y equal to 4 minus x, ठीक है। तो आपका minus 2y equal to 4 minus x minus 76 by 3, what will you get, ये आपका एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 3 सा 12 माइनस 76 बाई 3, ठीक है। तो माइनस 2y इक्वल टू, तो माइनस 2y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 12 से अगर आप 76 को सबट्रैक्ट, ये 76 बड़ा है, नेगेटिव साइन मिलेगा हमें, तो अब 2 से 6 से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 7 से 164 बाय 3। तो आप फिर से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू आप क्या निकालेंगे, y इक्वल टू माइनस 64 बाई 3। तो 2 माइनस 2y था, दैट मीन्स माइनस 2 को आप y के साथ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ आएगा तो दैट वुड बी डिवाइडेड, तो नीचे हर में आ जाए, इट विल कम टू द डिनोमिनेटर। तो आपका ये कट रहा है, 2 3 सा 6, 2 2 सा, और नेगेटिव नेगेटिव भी कट गया, तो 32 बाई 3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू आपको मिला था 76 बाई 3 एंड y इक्वल टू आपका 32 बाई 3। अब देखिए इसी
क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x जो है आपका, दोनों x जो है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो x जो है उसका जो गुणांक है, x का गुणांक, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल, कि इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है। अब यहाँ में एक और तरीका एलिमिनेशन का, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इजिली एलिमिनेट। तो पहले हमने एक तरीके से किया, अब इस तरीके से करके देखते हैं कि ये आंसर हमें आता है या नहीं। दैट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। अब 1 पहला इक्वेशन 1 में से घटाना, तो दैट मींस 1 को पहले लिखते हैं 2y = 4, और इक्वेशन नंबर 2 +y = 36। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्शन हमने कहा था, सब्ट्रैक्शन मतलब पूरा का पूरा जो इक्वेशन है उसको -1 से हम मल्टीप्लाई कर दें, ये आप जानते हैं। तो पूरा का पूरा इक्वेशन को अगर -1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब क्या होता है, पूरा सबका साइन चेंज हो जाता है। दैट मींस x का यहां पॉजिटिव साइन था, अब ये नेगेटिव हो गया, y का पॉजिटिव था, y का भी नेगेटिव हो गया, अब यहां में इसका पॉजिटिव था ए भी, अब यहां क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहां पर देखिए x एंड x एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, -3y = 36 +4 36 में से 4 हटाना है, क्योंकि -36 है +4 है, दैट मींस व्हाट विल यू गेट, -32। अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -32 / -3, तो माइनस माइनस कट गया, तो आपको आ जाएगा -32/3। अब देखिए y इक्वल टू 32/3 है, अब यही y को हम x में सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 32/3 इन 1 में कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 32/3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या मिलेगा, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, x - 2y = 4, तो x की जगह में हम y की जगह में हमें क्या है, 32/3, तो x - 2 × 32/3 = 4, दैट मीन्स x - 64/3 = 4, दैट मीन्स x = 4 प्लस -64/3 को वहां ले जाते हैं +64/3, तो व्हाट विल यू गेट, 12 + 64/3, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, 2 + 4 = 6, 1 + 1 + 6 = 7/3, तो आपको देखिए x 76/3 आ गया यहाँ पर। तो ये भी आपका एक और मेथड है जिससे आप यही सम को कर सकते। अब ये सम आप देख लीजिए इसको कैसा करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के पास ऑपोजिट साइंस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन यहाँ जो है इन दोनों का जो है आपका ये बराबर नहीं है, क्या बराबर नहीं है आपका, गुणांक बराबर नहीं है, द कोएफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल, तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों को कोएफिशिएंट्स इक्वल कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं पहले, अब उससे पहले हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करने से पहले एक काम कर ले, a1/a2 निकाल लेते हैं, तो 5/1 दैट इज इक्वल टू 5, b1/b2 इज -2/3, तो आपका आपको दिख रहा है कि 5 इज नॉट इक्वल टू -2/3, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये तो आपको लिखना ही है, आपका कंपलसरी एक मेथड स्टेप है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर यू हैव गॉट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये दो इक्वेशंस हो गए। तो यहाँ लिखते हैं अभी, तो ये आप लिखें मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/2, 1 को 3 से गुना करें और 2 को 2 से गुना करें, तो ये आप लिख सकते हैं, आप क्या स्टेप कर रहे हैं वो लिखना है आपको। तो 1 को हम गुना कर लेते हैं, तो 5a - 2b = 4 को विल मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें क्या मिलेगा, 15a - 6b = 12, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4 निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, a + 3b = 6 को हम मल्टीप्लाई क्या से करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है, 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 2a + 6b = 12। अल्टीमेटली आपका मेन मकसद क्या होता है, आपका मकसद ये होता है, आपका मेन एम ये होता है, यू हैव टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ
एनी ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल से दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल कोएफिशिएंट को बराबर करना है, और हो सके तो साइन ऑपोजिट हो तो इट्स वेल एंड गुड, तो साइन ऑपोजिट हो तो वी कैन ऐड, ऑपोजिट नहीं है व्हाट वी हैव टू सबट्रैक्ट, दैट्स अ सिंपल रूल। तो यहां में साइन ऑपोजिट है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड। एडिंग 3 एंड 4, 3 एंड 4 को जोड़ने पर, ठीक है, तो एडिंग 3 एंड 4, 3 क्या है आपका 15a माइनस 6b इक्वल टू 12, अब इसको ऐड कर लेते हैं, व्हाट विल यू गेट, सेवनटीन ए इक्वल टू 24, तो 17a इज 24, दैट मीन्स a इक्वल टू 24 बाय 17, आपको ये आंसर मिल गया। आप सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 24 बाय 17 इन इक्वेशन 2, मैंने 2 में सब्स्टिट्यूट किया, मुझे थोड़ा इजी लग रहा है, देखिए a में कोएफिशिएंट नहीं है, सिंपल नंबर्स है, तो मैंने 2 में किया है, आप किसी में भी कर सकते हैं, 1, 3, 4, विच एवर इक्वेशन यू वॉन्ट यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, a इक्वल टू 24 बाय 17 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप a प्लस 3b इक्वल टू 6, ठीक है, a की जगह आ जाएगा 24 बाय 17 प्लस 3b इक्वल टू 6, दैट मीन्स 3b इक्वल टू 6 माइनस 24 बाय 17, आपका एलसीएम निकलेगा 3b इक्वल टू 17 एलसीएम है, दैट मीन्स 6 के नीचे 1 है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, 6 7 सा 42, 4 6 1 सा 6, 7 8 9 10, ठीक है, 6 7s are 42, balance 4, 6 1s are 6, 10, minus 24, तो 3b equal to, आप subtract करके देखिए, 12 से 6 जाएगा, तो 8 आएगा, तो यहां में क्या बच गया आपका, 9, 9 से 2 जाए 78 by 17, ठीक है, तो आपका b equal to 78 by 17, तो 3 कहां चला जाएगा, नीचे, तो 3 आ गया आपका, तो 3 कटेगा इससे, क्योंकि 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, 3 2 सा 6, 7 और 3 6 सा 18, तो आपको सॉल्यूशन मिल गया आपका, है ना, b इक्वल टू आपका 26 बाय 17, तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, a इक्वल टू आपको यहां मिला 24 बाय 17 एंड b इक्वल टू 26 बाय 17। अब मैंने इसे एक तरीके से किया, इसका एक और तरीका से आप कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर a का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 5 है और यहाँ में a का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 है, अगर आप यहाँ सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको क्या मिल जाता, 5a प्लस 15b इक्वल टू 30 मिल जाता, तो आपका सिंपल क्या होता था, आपको सब्ट्रैक्ट करते तो आपका a कैंसिल हो जाता, आपको b मिल जाता, वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का मेथड करना चाहते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है जो मैंने स्लाइड दिखाया था वो आप खुद करेंगे। अब मैं प्रश्नावली 3.3 का कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है वो मैं लेकर करवाऊंगी। अब प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का ये 3 सम्स है जो आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। अब प्रश्नावली का ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसमें जो है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, अब डेसिमल्स जब होता है आपको मालूम है ना, डेसिमल्स होने से क्या करना है, डेसिमल्स होगा तो डेसिमल्स को हटा देना, हमें जो दिक्कत देता है वो चीज को आप हटा दीजिए, या हमें डेसिमल्स आपको दिक्कत देता है डेसिमल्स आप हटा दीजिए, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमने ये पहले भी सिखाया, इनटू 10, तो व्हाट विल यू गेट, दिस बिकम्स अ इक्वेशन नंबर 1। अब वैसा ही इक्वेशन नंबर 2 में भी आप क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक नंबर ही है सारे पद में, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब a1 by a2 b1 by b2 निकाल देते हैं, ये मैंने पहले लिख के रखा है क्योंकि ये हम हर स्टेप में करते हैं, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने एक ही बार में जो लिखा था वो मैंने मिटाया नहीं है, तो वो आप देख लीजिए, 2 by 4, that is 1 by 2, and this is 3 by 5, ठीक है, 3 by 5, so it's not equal, again आपको ये तो, आपको ये step तो आप compulsory है, जो आपको करना ही है, ठीक है, इसके बाद, अब next हम इसे आगे solve, अब यहाँ में, अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है ना, अगर हम इस equation को 2 से multiply कर देते, तो दोनों में 4 हो जाएगा, बस multiply कर लेते हैं,
मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2 एंड 1 को 2 से गुना करने पर। अब आपको क्या मिल गया यहां पर, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना। इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपका यहाँ में 4x है, ये भी 4x हो गया। फिर आपका एक मेन है कि एक कोई भी एक चर का जो है कोएफिशिएंट को इक्वल करना। अब साइंस इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्टिंग करना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आप लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 3 में से 2 को घटाने पर। अब 3 थर्ड इक्वेशन कौन सा, 3 में से, दैट मींस 3 को पहले लिखना पड़ेगा, 4x + 6y equal to 26, and उसके बाद second equation, अगला equation क्या था, second equation 4x + 5y equal to 23। अब घटाना है तो सबका sign change, negative, 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 ठीक है, ये sign change हो गया, तो ये दोनों आपका चला गया, eliminate हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y equal to 26 minus 23, that is equal to 3, आपका मिल गया। अब इसको हमें क्या करना है, y तो मिल गया, अब नेक्स्ट x निकालना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन 1, 3 y इक्वल टू 3 को 1 में प्रतिस्थापित करना। अब फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है आपका, 2x + 3y इक्वल टू 13, है ना आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो x हमें पता लगा, तो 2x प्लस 3 इंटू y की जगह क्या लिखेंगे, 3, सिंपल, इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, प्लस 9 को वहां लेके जाते हैं, माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। अब ये रूट वाला क्वेश्चन देखिए, रूट वाला क्वेश्चन हमने इसलिए लिया कि रूट से भी बच्चे थोड़ा घबराते हैं, तो वो हमने लिया है। तो अब आप ये देख लीजिए, हम वो हमने इतना प्रोसेस तो ऑलरेडी आप जानते हैं कैसा करना, हमने कर लिया, देखा है कि एक यूनिक सॉल्यूशन, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब ये हमें रूट टू एक्स एंड रूट ये, अब यहाँ पर अगर हम इसे रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट सिक्स, और यहाँ में अगर रूट टू से मल्टीप्लाई करो, अगेन वील गेट रूट सिक्स। तो हम वही करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर, तो यहां में 1 को रूट 3 से और 2 को रूट 2 से गुना करने, अब गुना कर लेते हैं, आपको समझ आ गया होगा, रूट टू इंटू रूट थ्री इज रूट सिक्स, रूट टू इंटू रूट एट इज रूट 16 इक्वल टू 0। अब रूट 16 हम जानते हैं 4 है, तो इन दोनों, अब यहां पर आप देखिए इन दोनों का ऐसा हमने लिख लिया है रूट थ्री, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये एक्स टर्म जो है एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, कि आप ऐसा लिखेंगे यहां पर, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 7y इक्वल टू 0, दैट मींस y इक्वल टू 0। अब x निकालना है, तो हमें y की जगह क्या लिखना है, 0, तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स रूट टू एक्स, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 0 आएगा, दैट इज प्लस 0 इक्वल टू 0, दैट मीन्स रूट टू एक्स इज इक्वल टू 0,
x is equal to 0 by root 2, that means x is equal to 0. तो आपको सोल्यूशन मिल गया, x is equal to 0, y equal to 0. अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, आपका एक और क्वेश्चन इसमें बचा जिसमें कि फ्रैक्शंस है, वो आप खुद करेंगे. आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस को कैसे हटाना है, आप एलसीएम निकाल के मैंने आपको सिखाया था. आप वो एक्सरसाइज का वो सम भी आप एलिमिनेशन मेथड से जरूर कीजिए. और जो मैंने पहले आपको एक स्लाइड दिखाया जिसमें 8 क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं किया है, वो काफी इजी क्वेश्चंस है, आप खुद वो क्वेश्चंस करेंगे. अब एक्सरसाइज 3.4 देखिए, बहुत कम सम्स है आपका, 4 ही सम्स है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सम्स है. ये आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है. आप ये दोनों विधियों से हल करके देखिए कौन सा विधि आपको ज्यादा इजी लगता है, फास्ट लगता है, आप वो देखिए. इंग्लिश मीडियम बच्चे प्लीज नोट डाउन, सॉल्व द फॉलोइंग pair of linear equations by the elimination method and substitution method. Just do it by both the methods, so you'll come to know which method is much easier and much faster for you. Now, next question is statement problems, that is the problems are related to a day-to-day life. How you can solve the problems of day-to-day life, find the solution of problems of day-to-day life through linear equations. And this we have discussed in the earlier classes in a very detailed way. I know you have done it, but this time I'm going to recapitulate the different steps involved in solving a pair of linear equations, the statement problems. Okay, तो बच्चे जो पिछले बार हमने सीखा था statement problems करना, जैसा हर दिन जैसा problems आते हैं उसे कैसा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज करके उसका हल निकाल सकते हैं. आज अगला क्वेश्चन जो है ये इसी पे बेस्ड है. आप मैं आपको ये थोड़ा सा एक बता देती हूँ, पिछले बार हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सम सॉल्व किए थे. आप वही स्टेप्स नोट कर लीजिए और वैसा ही आप ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. मैं जरूर कराऊंगी एक क्लास, सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का होगा वज्रगुणन विधि पढ़ने के बाद. तो आप ये देख लीजिए, अब आप ये स्लाइड देख लीजिए. स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व अ गिवन सिचुएशन यूजिंग लीनियर इक्वेशंस. ये अलग अलग आपका प्रोसेस दिया हुआ, कैसे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो दैनिक जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट जो स्टेप रहेगा, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, मतलब आपको जो क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार जब तक आपको समझ नहीं आए आप जरूर पढ़िए. सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है, टेक अ नोट ऑफ द नोन क्वांटिटीज एंड द अननोन क्वांटिटीज. मतलब आपको जो पता है, आपको जो मात्रक पता है वो आप देख लीजिए, और जो जिसके बारे में आपको नहीं मालूम, जो क्वांटिटी आपको नहीं मालूम उसके बारे में भी आप एक दिमाग में नोट कर लीजिए, या तो क्वेश्चन के वहां पर आप ध्यान से देखिए कौन सा क्वांटिटी से जिसको जो आप जानते हैं और जिसको आप नहीं जानते. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, अंडरलाइन दोस लाइंस और वर्ड्स विच हैज टू बी कन्वर्टेड इन द इक्वेशन. वो स्टेटमेंट्स हमने पिछले बार भी आप लिखा था यहाँ में, जो स्टेटमेंट्स इक्वेशन बन सकते वो स्टेटमेंट्स को आप एक पेंसिल से एक लाइन खींचिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बना सकते हैं. जो दिया हुआ स्टेटमेंट है इक्वेशंस के लिए दिया हुआ है. उसके बाद नंबर 4 इज अजम्पशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, मतलब आपको जो मानना है अननोन को, आप जो क्वांटिटी के बारे में आप नहीं जानते उसे आपको मानना है, x या y आप जो मानते हैं वो स्टेप है. स्टेप नंबर 5, फॉर्म टू लीनियर इक्वेशंस यूजिंग स्टेप 3. स्टेप 3 में क्या था, अंडरलाइन किए थे हमने वो लाइंस जिसे इक्वेशंस बन सकता है. अब क्या स्टेप 5 में वही अंडरलाइन किया था स्टेटमेंट से आप क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे. नंबर 6, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अगला जो है आपका दो इक्वेशंस बन गया है, दो समीकरण बन गया, उसका सॉल्यूशन आप निकालना. आप कोई भी विधि से निकाल सकते हैं. अब आज हमने विलोपन विधि किया है, टुडे वी हैड डन एलिमिनेशन मेथड, सो यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन मेथड. आप सारे क्वेश्चंस जो है आप विलोपन विधि से आज हल करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. आपको सॉल्यूशन आपको लिखना है क्वेश्चन के अनुसार. जैसे अगर आपको बैट का मूल्य ज्ञात करना है तो आपको लिखना है एक बैट का मूल्य इक्वल टू करके. अगर एक बॉल का मूल्य निकालना है, एक बॉल का मूल्य इक्वल टू. किसी का आयु आपको लिखना है तो आपको जो नाम दिया है उसका आयु इक्वल टू, ऐसे लिखकर ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है.
This is for English medium students. Just note down, take a snapshot of these questions. Just try it out at home. I'll be discussing all these questions. I'll be doing it in one class. Next question number part 3, part 4, part 5. Just take a snapshot of these questions. हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के पहला भाग और दूसरा भाग आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए और खुद करने का कोशिश कीजिए. पार्ट 3, पार्ट 4 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक स्नैपशॉट ले लीजिए आप और इसे भी हल करने का कोशिश कीजिए. पार्ट 5 ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए आप इसका भी हल करने की कोशिश. इसमें देखिए एक पुस्तकालय एक लाइब्रेरी के बारे में बताया जिसमें उसके एक निश्चित ये है आपका नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है. तो 7 दिन हो तो आप ये जानते हैं कौन सा क्वेश्चन जैसा आपका टैक्सी वाला क्वेश्चन जैसा बहुत कुछ इससे मिलता जुलता है. हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी कर चुके और कुछ पुराने क्वेश्चन के साथ में मिल रहा है. तो आप अगर पुराने क्वेश्चन अगर नोट डाउन किए हैं आप जरूर लिंक एक ये कर सकते हैं उस लिंक कर सकते हैं पुराने क्वेश्चन के साथ और आराम से. Okay students, today we have done with elimination method. I think this is the most quickest and the easiest method and this is my favorite method. I hope this becomes your favorite method also. Bachcho, aaj apne vilopan vidhi ke baare mein seekha hai. Mujhe पूरा उम्मीद है कि आप ये विलोपन विधि बहुत आसानी से कर पाएंगे. आप एक काम कीजिएगा जो पुराने जो सम्स हमने किए हैं ग्राफीय विधि से आपका जितना सब्स्टिट्यूशन मेथड या आपका प्रतिस्थापन विधि से तो वो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार और विलोपन विधि से हल करने की कोशिश कीजिए. आप प्रैक्टिस कीजिए ये बहुत हेल्पफुल आपको रहेगा. सबसे क्विकेस्ट एंड सबसे ईजिएस्ट मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं. होपफुली आप जो जितने मैंने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दिया वो भी आप कोशिश कीजिए कर आप उसको सॉल्व करके आप रेडी रखिए. जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत है और कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं. तो मैं उसको जब पढ़ाऊंगी तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं वज्रगुणन विधि के बारे में आपको बताऊंगी. आई बी टीचिंग यू ऑल अबाउट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. थैंक यू. Take care.